अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। असद कैसे हो? खैरियत सुनाओ, खैरियत है? हाँ, अल्लाह का शुक्र है यार। मैं पिंड दादन खान तक जा रहा था। अच्छा। किसी काम से। अच्छा। जरूरी काम था। आओ ना हमारे साथ, हम भी पिंड दादन खान जा रहे हैं। हम पिंड दादन खान नहीं जा रहे, हम बस टोबा तक जा रहे हैं। अजीब आदमी है यार, ऐसी भी क्या बात हो। क्या हुआ यार, तुमने मेरा दिमाग खराब कर दिया। क्यों, मैंने क्या कर दिया? झूठ बोलने की क्या जरूरत थी जब हम पिंड दादन खान जा रहे हैं? यार तुम्हें इस बात का इल्म भी है कि उनके साथ हमारी खानदानी दुश्मनी है, तुम फिर भी उसे लिफ्ट दे रहे हो। पता है, लेकिन वो तुम्हारे रिश्तेदार भी थे। कल तुम लोग अगर राजी हो जाओगे तो मेरा क्या बनेगा? तुम्हें सिर्फ अपनी नापसंद है, तुम्हें दोस्ती का कोई लिहाज नहीं है। यार तुम इस सिचुएशन को समझ नहीं पा रहे, छोड़ो इस बात को, चलो। अभी तुम्हारे मकान का कितना काम बाकी है? बस भाई, काम तो मुकम्मल है अभी, लेकिन इस महंगाई के दौर में ये कोई मकान बनाना आसान काम नहीं है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल यार, मैं तो तुमसे माफी मांगने आया हूँ। पागल हो यार, मुझे पता है तुम्हारी गलती नहीं है, मैं तुम्हें जानता हूँ यार। लेकिन यार फिर भी मुझे तो शर्मिंदगी थी ना। जाने दो, तुम यहाँ शर्मिंदगी जाहिर करने आए। नहीं भाई, एक और काम भी था, मेरे आईडी कार्ड की डेट एक्सपायर हो गई है, तो सोचे एक साथ चलते हैं। कल तो मैं बिजी हूँ, इंशाल्लाह सोमवार को चलेंगे फिर। ओके फिर याद रखना, परसों चलते हैं। तुम्हें पता तो है, आईडी कार्ड ना हो तो 100 मसले बनते हैं। बैठो ना, चाय बना लेते हैं। नहीं यार, चाय फिर पियेंगे। अच्छा तुम्हारी मर्जी। फिर खैर तो है, रोक दिया यार। सुबह से निकले हैं, मेरा दिल है चाय पी लेते हैं, थोड़ा आराम करते हैं, फिर चलते हैं। वालेकुम सलाम भाईजान, कैसे हैं?
जी अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल खैरियत से हूँ जी भाई। एक दोस्त का कार था, वो बनवाना था पीटी खान से ना, वहाँ जा रहे हैं जी। ठीक है भाई, मैं वापसी में रब्ता करता हूँ आपसे। हाँ जी, हाँ जी जी जी, ठीक ठीक हो गया, ठीक हो गया। अल्लाह अल्लाह हाफिज। चाय दीजिएगा भाई। एक बात पूछो, शेब और तुम्हारे दरमियान क्या इख्तलाफ? नहीं नहीं यार, ऐसी कोई बात नहीं है, हमारे दरमियान कोई ऐसी पहले बात नहीं थी, फैमिली इशू से, और मेरे साथ वो काले में पड़ता रहा है, ऐसी कोई बात नहीं थी। मुझे तो खुद नहीं समझ आ रही कि यार इतनी बात को तूल दे दी है, वरना तुम खुद उसे जानते वो कैसे इंसान। हाँ यार, कोई शक नहीं, वो बहुत अच्छा इंसान है। हाँ यार, तभी तो मैं सोच रहा हूँ कि यार वो मुझसे इतना बदगुमान क्यों हो गया, दूर हो गया वो मुझसे। हाँ यार, ये तो इशू होते रहते हैं, काफी टाइम हो गया है, अब चलते हैं।